हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो रायता। पोटैटो रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और टेस्टी होते हैं। इनको हर चीज के साथ सेट कर सकते हैं, यानी कि पराठा, रोटी, पुलाव सभी के साथ सेट कर सकते हैं। तो आलू का रायता बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो आलू का रायता बनाने के लिए हम यहाँ पे दो आलू बॉयल करके हम ले लिए हैं। तो अच्छे से इनको बॉयल किए हैं। अब हम बारीकी कट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक ट्रे, इस तरह से साफ सुथरा ट्रे, और यहाँ पे आलू को आप इस तरह से कट करें। लौका का रायता, बूंदी का रायता, बस बूंदी के बराबर में ही काटना है। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। हो सके तो एक चीरा और लगा ले। देखिए, इसी तरह से हम कट कर लेंगे दोनों आलू को। ये देखिए, बहुत आराम से कट जाएंगे। अभी तो नए नए आलू आ रहे हैं मार्केट में और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं आलू का रायता। सारे आलू को, मतलब दोनों आलू को हम कट कर लिए हैं। अब हम दही फेंटेंगे। इनको करते हैं साइड। यहाँ पे ले लिए हैं दही। दही का ट्रिप हम आपको बहुत ही अलग तरीके के बताएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे इससे भर के दो चम्मच चीनी, और इनको हम फेंटते हैं। पहले एक मिनट अच्छे से हम फेंट लेंगे दही को। इस तरह से आपको फेंटना है। बहुत ही रायता आप खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप रायता खा करके देखें, बहुत टेस्टी बनेंगे। जो आपको हमेशा नाश्ता के समय तो ये आप बना ही लेंगे, क्योंकि बहुत बनाना इजी है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से हम फेंट लेते हैं। बाकी मसाला हम बारी बारी से लेते जाएंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर लेंगे स्वाद अनुसार सफ़ेद वाला नमक। आप जितना नमक खाती हैं कम बेस कर लीजिएगा। और इसी में हम लेंगे काला नमक मीडियम चम्मच से एक चम्मच। इनको भी हम फेंट लेते हैं इस तरह से, और बहुत ही आराम से। देखिए कितना, अभी फेंटते फेंटते आप लोगों के मुंह में तो पानी जरूर आएंगे इस तरह के रायता में। तो देखिए, अभी हम यहाँ लेंगे आधा टुकड़ा अदरक का हम कद्दूकस कर लिए थे, और दो हरे मिर्च को हम बारीकी एकदम कट किए हैं, आप देख सकते हैं। इनको भी मिलाते हैं। इसी तरह से मिलाएंगे बाकी सारे मसाले को हम। ये देखिए, दही आपका फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टे दही नहीं होना चाहिए। तो अब हम लेंगे यहाँ पे चुटकी भर चिली फ्लेक्स, और एक काला राई को हम भूंज करके दरदरा पीस लिए हैं। तो इनको ले लेते हैं। मेन मतलब इनमें राई का ही होते हैं। और ये चुटकी भर होममेड जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, हम इनको ले लिए हैं। और फिर से इनको फेंट लेते हैं हम इस तरह से। मेन आपका रायता तैयार होंगे काले राई से। अगर घर में नहीं है तो आप पीला वाला भी सरसों ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से रायता का बैटर तैयार हो गया है। अब हम ले लेते हैं इनको आलू पर। तो आलू पर हम अच्छे से इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए, और इनको अच्छे से हम मिला देते हैं। अब हम लगाएंगे इनमें तड़का। चलिए तड़का लगा लेते हैं। सरसों का तेल हम पहले से गर्म होने के लिए हम चढ़ा दिए हैं। तो देखिए, अच्छा खासा धुआं इनमें से निकल रहा है। तो धुआं निकले तभी आप इनमें काला राई ले लें चटकने के लिए। अब चटक गए। अब चलिए हम तड़का लगा लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। देखिए, अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम तड़का को हम इस तरह से लगाइए तड़का। चलिए, तड़का हम लगा लिए हैं। अब तड़के के बाद हम लेते हैं चुटकी भर चाट मसाला, ज़्यादा मत लीजिएगा, और हम सबको मिला देते हैं। तभी तो खाने में स्वादिष्ट, स्वाद भरे मुंह हो जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया बने हैं ये। अब कैसी लगी हमारी वीडियो आपको फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।